हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे भागवतम कक्ष में। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से आशीर्वाद चाहूंगा कि ऑल दो मैं इतना योग्य तो नहीं हूँ, योग्यता नहीं है, पर आप लोग अगर कृपा करेंगे, आप लोग अगर आशीर्वाद देंगे तो हम मैं कुछ इसमें भागवतम में बोल पाऊंगा, इसका कुछ गुणगान कर पाएंगे। जो बोल रहा है उसकी शुद्धता के लिए रहता है और जो सुनता भी रहता है उसको भी उससे फायदा होता है, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि श्लोक नंबर 7 है। तो श्लोक नंबर 7 आप देखेंगे, नैमिषारण्य, जैसे आप लोग सुने होंगे दंडारण्य। दंड मतलब आप लोग सुने हैं जब राम जी अपने वनवास में थे तो दंडारण्य में आए थे, रुके थे। आरण्य मतलब जंगल होता है। तो जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था तो ऋषिगण जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप बताइए कि जैसे अभी कलयुग है, कलयुग में पृथ्वी में कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर कम तपस्या करें और अधिक फल मिले? कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर कम तपस्या करें और अधिक फल मिले? तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी बताते हैं, नैमि शरण में। यहाँ पर नैमि शरण में आप लोग जैसे कोई गया होगा तो यहाँ पर बहुत सारे नीम के भी वृक्ष हैं, इसलिए इस जगह का नाम मतलब निमिष निमिष अरण्य, मतलब नीम के बहुत सारे वृक्ष हैं यहाँ पर नैमि शरण में, इसलिए मतलब इसको नैमि शरण बोलते हैं। इसलिए ये बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर मतलब हम देखा जाए तो वेद व्यास जी ने भी अपनी रचनाएं की हैं और काफी पवित्र है यहाँ पर, मतलब कई ऋषिगण आए हुए हैं और तपस्या की है, इसलिए मतलब बोला गया है कि जो भी यहाँ आता है तो काफी भाग्यशाली होता है और कोई भी तपस्या करता है तो आसानी से उसको फायदा उठा सकता है वो। तो आप लोगों को जैसे पता है कि 88,000 ऋषिगण और उनके जो हेड कौन थे, सौनक ऋषि। तो जब सौनक ऋषि अभी सब एकत्रित हुए, सभी ऋषिगण कहाँ पर, नैमि शरण में, तो फिर उन्हें उन्होंने पूछा कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए कलयुग में। तो उन्हें बताया गया कि आप श्रीमद् भागवतम को श्रवण करिए, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से आसानी से कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो अभी पता चल गया कि करना क्या है, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करना है। अब श्रवण करने के लिए उन्होंने सभी ने निश्चय किया कि रोमहर्षण भी बैठेंगे। रोमहर्षण मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जिनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने से। तो उनको बैठाया गया, रोमहर्षण जी बैठ गए गद्दी में, व्यास आसन गद्दी में। पर उतने टाइम क्या होता है कि जैसे बलराम जी, आपको पता है महाभारत के युद्ध के टाइम में बलराम जी मतलब जो है तीर्थ भ्रमण में चले आते हैं, तो वो फिर आते हैं नैमि शरण पहुंचते हैं। नैमि शरण पहुंचते हैं तो वहां पर वो जब उस स्थान में आते हैं जहां पर सभी ऋषिगण एकत्रित हुए रहते हैं, तो वहां पर उनको ऐसा महसूस होता है कि उतना सम्मान नहीं हुआ उनका। अभी आप लोग खुद सोचिए, जैसे सपोज हम अभी बैठे हुए हैं, कोई बैठा हुआ है एक रूम में और प्रभुपाद जी के बारे में बहुत ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, प्रभुपाद जितने महान हैं, 11 वर्ष में 14 बार पृथ्वी भ्रमण किए हैं, इस तरह करके हम चर्च ग्लोरीफाई कर रहे हैं प्रभुपाद जी का। पर अगर प्रभुपाद जी खुद आ जाए और उनका का सम्मान ना हो तो कैसी बात होगा, उचित तो नहीं है। तो यहाँ पर वैसा ही हुआ, तभी मतलब जो रोमहर्षण है वो सम्मान नहीं दिए। एटलीस्ट जैसे कोई भी आता है, जैसे अगर सपोज कोई हमसे सीनियर है, ऐसे क्लास चलती रहती है जैसे टेम्पल हॉल में चलती क्लास, तो कोई भी अगर सीनियर आता है तो हम एटलीस्ट उनको प्रणाम कर सकते हैं झुक के नमस्कार करके, या फिर उनका जैसे महाराज जी हैं तो हिज होलीनेस इनकी जय। तो ये मतलब एक एटिकेट है। पर यहाँ पर क्या होता है कि जो रोमहर्षण है वो सम्मान नहीं करते हैं, तो बलराम जी को बहुत ज्यादा अपमानित मतलब अपमानित फील होता है, क्योंकि मेरे बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं स्वयं आ गया तो इसमें नहीं किए, इनको तो एटिकेट ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बलराम जी एक तिनका उठाते हैं, फेंक देते हैं रोमहर्षण की ओर, तो उनकी उसी समय ही मृत्यु हो जाती है। तो अभी खून खराबा हो गया, मतलब व्यास आसन में ही मृत्यु हो गई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभी भागवतम बोले कौन, क्योंकि अभी भागवतम बोलने वाला ही प्रवक्ता ही नहीं है, तो अभी आगे कौन बोलेगा? तो एक चीज हमें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि एटिकेट जो हमारा भक्ति है, भक्ति का जो गहना है, भक्त का गहना होता है उसका सदाचार। वो सदाचार कैसा है, अभी इसमें मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का एक कोट आता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर इफ यू डोंट नो फिलोसफी मच नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर चैंटिंग एंड डांसिंग एंड टेकिंग प्रसादम नाइसली देन यू बिकम एलिजिबल फॉर गोइंग बैक टू होम, बैक टू गॉड। तो देखिए, किसी का फिलोसफी है, फिलोसफी किसी का ज्यादा कम हो सकता है ना, पर अगर कोई जो है वो सदाचार अच्छे से विकसित किया है, सम्मान करना जानता है, अपने जो वरिष्ठ है उनकी सेवा करना जानता है, तो भक्ति में कई उन्नत हो सकता है। अभी आप देखिए प्रभुपाद जी जब शुरुआती तौर पे जब अमेरिका गए तो वहां पर किसको कितना फिलॉसफी पता था,
किसी को पता भी नहीं था भगवद गीता के बारे में भी नहीं जानते थे, पर प्रभुपाद ने उनको बताया धीरे धीरे, और हम देख सकते हैं आज कितने बड़े बड़े वो डिवोटीज हैं, है ना। तो सदाचार बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमको मतलब प्रयास करना चाहिए कि हम ये सदाचार अपने अंदर भी ला सके, है ना। जैसे महाप्रभु बोलते हैं, त्रिणादपि सुनिचेना तरुर अभी सही सुना, हमारी न मान देना कीर्तनिया सदारी। तो ये भगवत भक्ति में एडवांस करने का एक तरह से आप समझ लीजिए कि परम गु है, मतलब इसको अगर हम जान लिया, अपने जीवन में उतार लिया, बहुत आसानी से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी आप लोग जैसे इसमें 7वां नंबर श्लोक है, इसमें बताया जा रहा है उग्र श्रवा। तो अभी जब रोमहर्षण जी की मृत्यु हो गई, तो अभी ऋषि बलराम जी ने बोला कि ये जो सूत गोस्वामी है ना, रोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा, तो उनको बैठाइए आप व्यास आसन में। तो सभी को ये भी चिंता में आ गए कि अभी ये सूत गोस्वामी तो अभी अभी ये बच्चे हैं, नए हैं, ये कैसे बोलेंगे। तो आप लोगों को जब पता होगा, जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का 7 दिन का जब भागवतम सुनाया था, उसमें फ्रंट रो में कौन बैठे थे, सूत गोस्वामी, है ना। तो उग्र श्रवा सूत गोस्वामी मतलब इन्हीं का ही नाम है, तो रोमहर्षण के ही पुत्र है। तो अभी होता है ना, जैसे अभी हम भी जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट से जुड़े हैं, आपकी ट्रेनिंग हो गई, अभी सूत गोस्वामी फ्रंट रो में बैठे थे, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट, अभी अभी सुन के आ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवतम, अभी उनको बोला जा रहा है कि अभी आप स्टार्ट करिए, अब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, टीचिंग वर्क स्टार्ट करिए। इस्कॉन में ऐसा ही है कि यहाँ पर बच्चा बच्चा भी मतलब प्रीचिंग कर सकता है। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बोलते थे कि आपको जो सुना है, जो आप मेरा लेक्चर में सुन रहे हो, बस आप उसको एज इट इज रिपीट कर दो, उसी में आपको परफेक्शन होगा। तो हमको वही करना है। ऐसे अभी हम मैं भी नए नए हूँ, पर हमें जो सुनने में मिल रहा है, जो हम सुने श्रवण कर रहे हैं अपने वरिष्ठ से, और उसी को हमें बस रिपीट करना है, कुछ अलग से हमें ऐड नहीं करना है और कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। तो आप जो परंपरा है उसको एज इट इज आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो ज्ञान कृष्ण से नारद, कृष्ण से नारद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद व्यास देव मध्वाचार्य फिर करके माधवेन्द्रपुरी चैतन्य महाप्रभु छठ गोस्वामी, तो इस तरह करके जो हमें ज्ञान मिलता आ रहा है, एज इट इज वो ज्ञान आएगा। अगर हम उस ज्ञान को अगर हम एज इट इज दे रहे हैं, ना कुछ एडिशन कर रहे हैं ना कुछ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हमको वही करना है। तभी सूत गोस्वामी जी को बैठाया गया भागवतम में, बलराम जी बोल रहे हैं चिंता मत करो, मैं भगवान हूँ, मैं शक्ति दे दूंगा, बोल देंगे। तो फिर सूत गोस्वामी अभी बैठ जाते हैं। आपको पता होगा कि जो रोमहर्षण है वो वेद व्यास जी के शिष्य हैं, और जो सुखदेव ये सूत गोस्वामी है, ये सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। तो फिर उसके बाद सूत गोस्वामी अभी बोलना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग देखेंगे जो 8वां नंबर श्लोक है, उसमें सूत उवाच हुआ। तो आप लोगों को पता है जितने भी पुराण है, 18 पुराण है, 108 उपनिषद हैं, वेद है, तो उन सभी का जो निचोड़ जो फल है वो क्या है, श्रीमद् भागवतम। और ये भागवतम ऐसा फल है कि जो कच्चा नहीं है, मीठा है, और मीठा तो है साथ में इसमें गुठली भी नहीं है। अभी सपोज अगर आपको अल्फांसो आम है, अल्फांसो आम अगर आपको मिल जाए और पता चले कि इसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, तो आनंद ही आ जाएगा। तो उसी तरह श्रीमद् भागवतम ऐसे ही है कि इसमें ना गुठली है ना असली, इसमें मतलब प्योर है, शुद्ध भक्ति के बारे में पूरा बताया गया है। और अगर ऐसा हो जाए कि हमारे घर पे ही आ जाए, कोई परोस दे हमारे सामने, तो फिर तो बात ही अलग है। तो ऐसा ही हमारे साथ है। आप देखिए प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं, उसके माध्यम से हमारे घर तक आज के टाइम में ये पहुंचा है। सभी कोई अपने अपने रूम में बैठे हैं और हम जूम पे ये श्रीमद् भागवतम के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अद्भुत है, प्रभुपाद जी ने जो किया मतलब एक तरह से अद्भुत है, और हमारे हर घर घर तक पहुंचाया है ये भागवतम। तो इतना जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसको हमें सुनने का मौका मिल रहा है। तो इस तरह करके ये जो भागवतम सूत गोस्वामी अभी बोलना स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे कि इसमें जो श्लोक है, इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे आज के जैसे कैसे जो माया होती है भगवान को कैप्चर करने की, जैसे मायावादी जो सिद्धांत होता है, पर आप देखेंगे कि भगवान क्लियरली बोल रहे हैं कि माया मेरे अंडर में काम करती है, मैं माया के कर्म चक्र के बंधन में फंसता नहीं हूँ। इसके लिए बहुत अच्छा श्लोक आता है, आप लोग जैसे 4वां अध्याय जानते हैं, 4वां अध्याय दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान का 14वां नंबर श्लोक है, जिसमें भगवान स्वयं बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, ना मा कर्माणि लिम्बन्ति ना मे कर्म फलेष प्रिया इति माम यु अभिजानाति कर्म भी ना सा बद्धते ना सा बद्धते, मतलब ना बद्धते, मुझे ये जो माया है ये मुझे बांधती नहीं है। भगवान क्लियरली भगवद गीता में डिक्लेयर करते हैं कि माया से मैं ऊपर हूं।
अभी माया जो होती है भगवान की पीठ में रहती है। अभी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब कृष्ण अवतार, कृष्ण जब आए थे तो उस टाइम उसके पहले उन्होंने राम अवतार में उन्होंने जो बलि था, बाली थे उनकी उन्होंने छुप के मृत्यु की तीर चला के। इसलिए जब कृष्ण अवतार में आए, कृष्ण जब आए स्वयं, तो इसलिए उनके पैर में तीर लगा। अभी जैसे राम अवतार में जब आए तो राम ने पिछले रूपों में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को वध किया। जैसे इसमें हिरण्याक्ष का वध करते हैं भगवान परा रूप में, तो इसलिए भगवान राम के साथ ऐसा हुआ, उनकी ऐसी परिस्थिति हुई क्योंकि उन्होंने ऐसा गलत कार्य किया था। तो ऐसा कई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं मायावादी, पर ये पूर्णतः गलत है। भगवान स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं कर्म बंधन के चक्कर में फंसता नहीं हूँ। और इसमें बताते हैं भगवान याली श्लोक में, जो 14वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक है, कि कर्म फल का प्रभाव मुझ पर कुछ नहीं पड़ता और ना मैं कर्म का फल की कामना करता हूँ। यहाँ तक कि छोड़ो कि जो ये जान जाता है कि भगवान कर्म फल के चक्कर में नहीं फंसते हैं, उसको भी कर्म फल का चक्कर नहीं लगता है। मेरी तो बात छोड़ो, जो मेरा भक्त भी होता है उसको भी इसके चक्कर में नहीं फंसता है। तो भला फिर भगवान कैसे फंस सकते हैं? बहुत क्लियरली मतलब भगवदगीता में बताया गया है। अगर हम भगवदगीता के बारे में भगवदगीता के श्लोक को अगर देखेंगे तो भगवान बहुत क्लियरली बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं कि माया दक्षिणा प्रकृति, जो माया होती है वो मेरे ही अंडर काम करती है ना। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि अगर कहीं अगर सूर्य है और अगर वहां अगर कहीं अंधेरा है, अगर अंधेरे में सूर्य आ जाएगा तो फिर अंधेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं कि बोगस गुरु, अगर वो बोगस है तो गुरु हो ही नहीं सकता, अगर वो गुरु है तो बोगस हो ही नहीं सकता। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। सूर्य मतलब प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, एक चीज रहेगा। ऐसे लोग बोलते हैं बोगस वैष्णव, वैष्णव बोगस वैष्णव, अगर वो बोगस है तो वैष्णव हो ही नहीं सकता, और अगर वो वैष्णव है तो बोगस नहीं हो सकता। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया है अधिकार। यहाँ पर बहुत क्लियरली बोला जा रहा है कि जहां भी कृष्ण रहेंगे माया का वहां पर अधिकार ही नहीं है, वहां माया कुछ कर ही नहीं सकती, भगवान की पीठ में रहती है माया। अगर हम माया की तरफ रहेंगे तो भगवान के से विमुख हो जाएंगे, और अगर हम भगवान की तरफ रहेंगे तो माया से हम बच पाएंगे। तो हमें सिंपल रहना है कि भगवान की तरफ हम अपने झुकाव रखेंगे तो माया हमारा कुछ नहीं कर सकती है ना। तो एक तो परपट में ये बात है, और प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली बताते हैं कि जैसे भगवान की जैसे ये वराह इंकारनेशन है। अभी आप देखें भगवान के बहुत सारे इंकारनेशन हुए हैं, जैसे श्रीमद भागवतम में हम पढ़ते हैं तो पहला स्कंद में आता है, तो भगवान के मत्स्य अवतार हुआ है, फिर भगवान के नरसिंह, फिर कूर्म, इसका करके बहुत सारे अनेक अवतार हुए। पर आप देखो कि क्या अगर वो अवतार अगर माया है अवतार, जैसे मायावादी सिद्धांत बोलता है कि भगवान जब आते हैं यहाँ पर तो शरीर मतलब माया का शरीर, माया द्वारा जो शरीर मिलता है वो उस पे आते हैं, तो अगर ऐसा होता तो फिर ये हम भागवतम पढ़ने का फायदा क्या होगा? अगर भगवान जो है वो माया के शरीर लेके आ रहे हैं, ब्रह्म जो है, तो फिर भागवतम पढ़ने का फायदा ही क्या है? फिर एक सामान्य हो गया वो। पर यहाँ पर पूर्णतः ये गलत है। आप देखो भगवान जो है, भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं है, भगवान परम दिव्य है और भगवान कभी भी माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। और इसकी पुष्टि भी बहुत अच्छे से, जैसे मायावादी सिद्धांत क्या होता है, मायावादी सिद्धांत ये होता है कि जब ब्राह्मण भौतिक धराधर में आते हैं यहाँ पर, तो उनको एक भौतिक शरीर लेते हैं, माया के प्रभाव में आते हैं और उनको भौतिक शरीर धारण करना होता है, भले वो सत्वगुण में क्यों ना हो। ये है मायावादी विचारधारा कि भगवान जो है वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब ब्राह्मण जो है वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं और उनको एक भौतिक शरीर लेना पड़ता है। पर ये कंसेप्शन को प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली मतलब खारिज किया है। कैसे? आप देखो जब अर्जुन की हम बात करते हैं 4थे अध्याय में भगवद गीता के, तो सखे चाहती मतलब अर्जुन और कृष्ण जो है एक तरह सखे सखा है, उठ रहे हैं साथ में, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। पर अगर हम अर्जुन की अगर स्थिति देखें, अर्जुन ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है वो भी माया के प्रभाव में आ गए। अभी जैसे अर्जुन को पता है कलयुग में ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, लोग आएंगे तो लोग किसी को भी भगवान बना सकते हैं, अपने आप को भी बोल सकते हैं कि हम भी भगवान हैं। तो लोगों का ये जो डाउट है इसको क्लियर करने के लिए जो यो अर्जुन है वो अपने आप को एक बद्ध जीव की परिस्थिति में रख रहे हैं, बद्ध जीव की स्थिति में रख रहे हैं और वो भगवान से प्रश्न पूछते हैं, है ना। तो
आप देखो जैसे कि हम चौथा अध्याय में जैसे आता है अर्जुन ने 10वें अध्याय भगवद गीता के, आप देखो 10वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में, उसमें क्या बोलते हैं अर्जुन, क्या डिक्लेयर करते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभु। तो इसमें अर्जुन साफ तौर पे बोलते हैं कि आप क्या हैं, आप साक्षात पुरुष हैं, पुरुष हैं। ऐसा नहीं बोले कि आप निर्विशेषवादी हैं, आपका कोई फॉर्म ही नहीं है। आप देखो अगर सन है, सूर्य है, तो सूर्य से ही उसकी किरणें निकलती हैं। अगर सूर्य नहीं होगा तो किरणों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ तौर पे आप देखोगे भगवद्गीता के 10वें अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में अर्जुन ये बोलते हैं श्लोक। तो भगवान का जो शरीर है दिव्य है और आदि पुरुष है, और वो एक पुरुष है ना, उनका भी फॉर्म है। आप किसी भी चीज की बात करिए, यहाँ पर हर चीज का फॉर्म है। तो इसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि भगवान के शरीर और अर्जुन के शरीर में क्या अंतर है, अंतर क्या है। तो ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार का ये एक नेचर ही है फॉरगेटफुलनेस, भूलना। इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा बताते हैं स्टोरी कि डॉग एंड गॉड। अभी एक डॉग होता है, तो डॉग को उसका जो मास्टर होता है उसको खिलाता है बिस्किट्स, फिर उसके बाद उसको मारता है तो डॉग वहां चले जाता है, फिर उसके बाद वो भूल के फिर वापिस आ जाता है, फिर वो खाता है, फिर मारता है उसका मास्टर, फिर वो चले जाता है। तो डॉग की जैसी स्थिति वैसी हमारी स्थिति है। ये जो भौतिक संसार है, भौतिक संसार में जो सबसे प्रमुख गुण है भूलना। हम भगवान को भूल के यहाँ पर आए और अपने आप को शरीर मान रहे हैं और शरीर के स्तर पे ही हम कार्य कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर हम देखें तो अभी जैसे इस चीज को कैसे हम समझ सके कि भगवान का शरीर और हमारे शरीर में क्या अंतर है। सही, ये जो भूलने का जो हमारी प्रवृत्ति है, इसको जैसे भगवान बोलते हैं छठ चौथे अध्याय के 1वें नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं, इमं विश्व विवश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवश्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। तो अभी अर्जुन बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अभी आप जैसे आपको पता है जब भगवान ये श्लोक बोलना स्टार्ट करते हैं तो अर्जुन कंफ्यूज रहता है, अर्जुन को समझ में नहीं आता कि क्या चलने लगा। भगवान बोलते हैं कि ये जो भगवद गीता ज्ञान है, ये मैंने कई सार हजार साल पहले ये जो ज्ञान है इसको मैंने सूर्य देवता विवश्वान को सुनाया है। तो अर्जुन कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा कैसा हो सकता है, हम साथ में ही हमारे कुछ साल पहले ही हम जन्म लिए साथ में, और साथ में ही है हमारी और आपकी आयु, हम आयु है, साथ की आयु है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप बहुत सालों पहले ये जो ज्ञान है ये बताया किसको, सूर्य देवता को। तो फिर इस चीज को क्लियर करने के लिए भगवान फिर से बोलते हैं कि बहुनी में व्यवितानी जन्मानी तव अर्जुना तानि अहम वेद सर्वाणी ना त्वम वेत्ता परम तपा। अर्जुन जो तुम व्रत लेते हो और जो मैं व्रत कर लेता हूं, तुम भी बहुत सारे व्रत लेते हो, तुम्हारे बहुत सारे व्रत होते हैं और मेरे बहुत सारे व्रत होते हैं, पर तुम्हारे और मेरे व्रत में क्या अंतर होता है, तुम भूल जाते हो हर हर चीज को और मेरे को याद रहता है। यही अंतर है हमारे में और भगवान में। अगर आप सोचो भगवान यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि मेरे को याद रहता है, अगर मायावादी बोलते हैं कि भगवान जब आते हैं तो यहाँ पर माया का रूप धारण करें, मतलब माया द्वारा शरीर उनको मिलता है, उस शरीर के रूप में रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर तो भगवान ने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि तुम भूल जाते हो। अगर माया भी जैसा शरीर हमारा है वैसा अगर भगवान का भी शरीर होगा तो भगवान को भी भूल जाना चाहिए, भगवान को फिर क्यों याद है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। और हमारे और अर्जुन के शरीर में फिर अगर हम बात करें भगवान के शरीर और जैसे हमारा शरीर है, तो फिर इसमें अंतर नहीं होना चाहिए ना। भगवान के शरीर को सच्चिदानंद विग्रह बोला गया है ना। तो बहुत क्लियरली इसमें भगवान बताते हैं कि तुम्हारी भूलने की प्रवृत्ति है और मैं जो रहता हूँ याद रखता हर चीज को। इसलिए जैसे एक और श्लोक आता है आप देखो भगवद गीता में, जिसमें बहुत क्लियरली बताते हैं कि कैसे भगवान यहाँ पर आते हैं। ये जैसे 6वें श्लोक में बताते हैं चौथे अध्याय का, अजो अपिशन अव्यक्त अव्यक्तात्मा भूतानाम ईश्वरो अपिशन प्रकृतिम स्व अधिष्ठाया संभवामी आत्ममाया आत्ममाया। आप देखोगे जैसे इसमें यहाँ पर भी श्लोक है, इसमें भी भगवान बोलते हैं स्वमाया, मैं अपनी ही एक शक्ति के द्वारा आता हूँ, इंटरनल शक्ति के द्वारा ही आता हूँ यहाँ पर। और इसमें भगवान बोलते हैं कि मैं अपनी ही शक्ति के द्वारा आता हूँ,
ऐसा नहीं होता है कि माया जो भौतिक शक्ति भय रंग शक्ति उसके माध्यम से मैं यहाँ पर हूँ, उसकी भगवान जरूरत ही नहीं है। अभी अगर देखो, एक इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण आता है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई राजा है और वो जाता है जेल में निरीक्षण करने के लिए, तो वो जाता है जेल में, तो जब उसके जो कैदी होते हैं, कैदी भी क्या होता है, समझ लेते हैं कि ये राजा है, मतलब ये आया है व्यक्ति, तो एक और कैदी आ गया हमारे साथ रहने के लिए, है ना। उनको तो पता नहीं होता कि इनकी पोजीशन क्या है। इसी तरह हम भौतिक संसार में हैं, तो भगवान जब आते हैं तो हमको भी लगता है ठीक है, हम यहाँ पर, हमारा भौतिक शरीर है, हम भी यहाँ पर रह रहे हैं, तो एक और आ गए, उनका भौतिक शरीर है, वो भी साथ में रह रहे हैं। तो ये उसी तरह की परिस्थिति होती है, जो एक कैदी होता है, एक कैदी जब राजा आता है तो उसको भी कैदी समझ के उसको भी उसी तरह ट्रीट करता है। हो सकता है थोड़ा सा पावरफुल ज्यादा होगा, पर हमारे जैसे ही है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, आप सब समझ सकते हो। भले भगवान यहाँ धरा धर में आते हैं, पर वो उतने पूर्ण पुरुषोत्तम रहते हैं, उनके पास छठ ऐश्वर्य रहता है, उतनी ही उनके पास शक्ति रहती है, और वो भौतिक मतलब जो माया है उसके प्रभाव में नहीं आते हैं। इसके लिए चक्रवर्ती प्रभु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे आप देखो, आग है, एक छोटा हवा चल रही है, हवा चल रही है तो छोटी आग को बुझा देगी, पर अगर वही बड़ी आग रहेगी और हवा चल रही है तो वो और भड़क जाएगी, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वैसी स्थिति, हम छोटी है, मतलब छोटी आग मतलब हम जीवात्मा है, और बड़ी आग मतलब भगवान, और जो हवा है वो माया है। तो माया जो है वो, हम जो है माया के चंगुल में आ जाते हैं, माया से प्रभावित हो जाते हैं। पर अगर हम बात करें भगवान की, तो भगवान जो है माया से कहीं ऊपर है, भगवान के पीछे रहती है। भगवान मतलब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत अच्छा, अतिक्रमण। तो अतिक्रमण मतलब ओवरलैपिंग, जैसे आप लोग देखे हो कोई अगर सड़क में गाड़ी चलती रहती है, तो ऐसा नहीं लगता कि ऐसे होता है ना कि पीछे से कोई बाइक आती है तो फिर उसको ओवरकम करके ओवरलैप करके चली आती है ना, काट के चली आती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कि माया जो है वो भगवान को काट सके, मतलब भगवान के आगे आ सके। माया की पोजिशन है भगवान की हमेशा पीछे रहना, है ना। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट तौर पर मतलब इसमें बताया है कि कैसे भगवान की स्थिति क्या है। मायावादी जो होते हैं उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, वो बस इसी में ही रहते हैं कि सब मिथ्य 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 है। पर अगर हम स्टडी करें, प्रभुपाद जी बहुत क्लियरली इसमें बता रहे हैं कि ये स्थिति है। अगर हम स्थिति के बारे में, अगर अगर हम उदाहरण के बारे में एक और समझे, उदाहरण से क्या हमें चीजें क्लियर होती है। तो एक गद्दी है, एक गद्दी में राजा भी बैठता है और उसी गद्दी के बगल में कीड़ा बैठता है, बग भी। तो प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छे से बताते हैं कि जो कीड़ा होता है और जो राजा है, ऑल दोनों बैठे समान गद्दी में है, एक ही पोजीशन में, इक्वल लेवल में है। पर अगर हम देखें कार्य की बात करें, तो जो कीड़ा है उसकी स्थिति होती है वो काटना, काटता है, राजा होता है वो शासन करता है। तो भगवान अभी भी भगवान ही है, राजा अभी भी राजा ही है, भले वो, भले कीड़ा उनके बगल में आके क्यों ना बैठ जाए। तो उसी तरह हमको समझने की जरूरत है कि भगवान की पोजीशन कभी कभी नहीं चेंज हो सकती। अब भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान यहाँ पर आते क्यों हैं, इतने अलग अलग जो रूप है उसको लेके आते हैं यहाँ पर, और क्रिया मतलब अभी जैसे भगवद गीता में एक श्लोक आता है, परित्राणा साधुना बिना चाहे सुदृष्टता, मतलब असुरों को मारने के लिए और जो भक्त होते हैं उनको बचाने के लिए। ये तो किसी से बोल सकते हैं, तो भगवान के अंडर पे ही माया है, माया को बोल सकते हैं कि आप असुरों को मार दो, पर भगवान का आने का जो पर्पस है ये नहीं है। भगवान का आने का पर्पस है यहाँ पर लीलाएं करना, जैसे अभी वराह देव आए, नरसिंह देव, नरसिंह भगवान आए, फिर उसके बाद राम होता, इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं भगवान के इनकार्नेशन, उसका उद्देश्य कि यहाँ पर लीलाएं कर सके, और जो हम बद्ध जीव है उन लीलाओं का आस्वादन करके हम भगवान के प्रति आसक्ति पैदा करें और हम भगवत धाम जा सके जहां से हम आए हुए हैं। ये हमारी है पूर्ण, मतलब यही हमारी है वास्तविक स्थिति। पर अभी हम भौतिक संसार के प्रभाव में आके हम भूल चुके हैं। इसके लिए भगवान की दो शक्ति होती हैं, आवरणात्मिका शक्ति है, प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति क्या करती है, हमें ये भुला देती है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। हम अपने आप को बॉडी, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, उसी के लेवल में कार्य करते हैं। और प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या होती है कि अगर कोई उस स्तर मतलब इस चेतना से उठना भी चाहे, मतलब ये जो बद्ध, ये जो देह की चेतना से उठना भी चाहे, तो जो प्रक्षेपात्मिका शक्ति होती है उसको पीछे धकेलती है।
उससे उठने देते थे। इसीलिए तो आप देख सकते हो जो मायावादी है इतना ज्यादा वो फंसे रहते उस चीज में, क्योंकि भगवान की शक्ति की जो आवरणात्मक शक्ति है उसके प्रभाव में आ जाते हैं। अब वही अगर हम जैसे अगर हम देखें कि विदुर जी हैं, विदुर जी आप देखो कि इसमें बताया जाता है विदुर जी जो होते हैं प्रफुल्लित हो उठते हैं, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न उठते हैं। तो जब भगवान के जो फर्स्ट टाइम है, भगवान की जो लीलाएं हैं इतने मधुर हैं कि तो उनको कोई भी सुनेगा तो वो आनंदित हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। पर वो समझे उसकी अंडरस्टैंडिंग में क्या, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिर हम भी सुनते हैं भगवान के पास टाइम्स, हम डेली सुनते हैं, पर हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता जैसे विदुर जी बोल रहे हैं प्रफुल्लित हो उठते हैं कि रोम हर्षण हमारे, मेरे जो रोमते हैं वो खड़े हो रहे हैं, कंपित हो रहे हैं, है ना। आप देखो वही त्रास्त होते हैं तो त्रास्त को कुछ फर्क नहीं पड़ता, संजय भी सुनते हैं, संजय देते हैं कि मेरा रोमते जो है खड़े हो रहे हैं, पर धृतराष्ट्र जो है धृतराष्ट्र को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वही वो चेतना में है, देह चेतना में। तो हमको उससे ऊपर उठना है। वो अगर हम उठेंगे कैसे उठेंगे, इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बताते हैं कि हमको क्या करना है। जो चैंटिंग है, ये चैंटिंग बेसिकली जो क्या करती है कि जो हमारा कबरी है उसको हटाती है, और जो शुद्ध भगवान का जो नाम है वो हमारे अंदर हमारे हृदय में प्रवेश करता है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम चैंटिंग जितना ध्यान पूर्वक करेंगे उतना हमारा कवरिंग, हृदय में जो कवरिंग लगी है वो निकलेगी, और जो शुद्ध नाम है वो हृदय में जाएगा, और हम भी धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आनंद हम भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। तो इसको कॉन्सेप्ट को हमें जो ये भगवान का आना है यहाँ पर इसको समझना है। अभी ऐसे इसको समझने के लिए एक और है कि सूर्य, आप देख सकते हैं सूर्य जैसे अभी यहाँ पर है भारत में है, और भी कहीं चाइना में है, दूसरे दूसरे देशों में भी है। तो सूर्य जो है वो उगता है और फिर डूब जाता है, पर वो हमारे आंखों में ऐसा दिखता है कि अभी सूर्य आ गया है और अभी चले गए, पर ऐसा नहीं है कि सूर्य है ही नहीं। सब पर फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी ऐसे आप लोग सड़कों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं तो एक कार आती है, एक कार आती है तो कुछ टाइम के लिए हमारे नजरों में रहती है, वो दिखती है वो कार, पर उसके बाद फिर वो कार चली जाती है। तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि कार है ही नहीं, कार एग्जिस्ट ही नहीं करती। कार तो है कहीं ना कहीं, तो वह है, पर वो हमारे आंखों की क्षमता नहीं है कि हम देख सके वो कार को हर जगह। उसी तरह भगवान भी है यहाँ पर अभी हमारे पास जो है वो क्षमता नहीं है। इसलिए हमको आंखों को क्या करना है, प्रेमांजना त्रिलोचता भक्ति विलोचन, मतलब हमको इसको प्रेमान के अंजन से हमें इसको अंजित करना है, लगाना है। उसके उसके उससे हुआ क्या कि हम फिर भगवान को हम देख पाएंगे। अब भगवान के जो पास टाइम्स है ये चलते रहते हैं, नित्य लीला चलती है भगवान की। अभी भी आप देखो वृंदावन में चल रहे हैं, पर अभी हम देख नहीं पा रहे क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है आंखों में। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो प्रोसेस, जो साधना व्यक्ति, ये जो बताया गया, जैसे आपको पता है कि प्रभुपाद ने जो हमें ये दिया है वैधि भक्ति, है ना, तो हमें इन चीज को अच्छे से करना है, फॉलो करना है। और जैसे जो श्रवणम है इसको हमें नियमित तौर से करते रहना है, और जो हमारा ये जो चैंटिंग है ये करना है, और प्रचार भी करना है, क्योंकि अगर प्रचार करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम हमारे हम अपने आप को समझेंगे कि हमारी क्या पोजीशन है ना, हमारे अंदर विनम्रता आएगी, और फिर उसके बाद हम दूसरे को भी वो चीज बता सकते हैं और उसको भी इससे फायदा होगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये चीज समझें, और इससे हमारे लिए फायदा होगा। और जो साधना भक्ति हमें जो बताई गई है उसको हम बहुत, जो मॉर्निंग टाइम होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे अभी भागवतम बताया गया है, जो मॉर्निंग टाइम इज बेस्ट टाइम फॉर साधना। और भगवान का एक श्लोक है, तब भगवान बोलते हैं श्लोक भागवतम में कि जो तप है, तपस्या है, वो मेरे हृदय से अभिन्न है, मतलब जो मेरा हृदय है वो एक तरह से तपस्या है। तो तपस्या भगवान को बहुत प्रिय है, पर तपस्या कैसी तपस्या, मतलब तपोदिव्यम, दिव्य तपस्या करना है। दिव्य तपस्या करेंगे उससे क्या होगा, हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो फिर उससे क्या होगा कि हम भगवान की जो लीलाएं हैं उनको हम समझ पाएंगे। क्योंकि तो अभी हमारे अंदर क्या है, सिन है ना, इसके वजह से क्या हो रहा है कि हम उतना आस्वादन नहीं कर पा रहे, पर जैसे जैसे हम ये जो प्रोसेस है इसमें लगेंगे तो शुद्धता होगी हमारे हृदय में, और फिर हम जो लीलाएं भगवान की उनका आस्वादन कर सकते हैं, और हम दूसरे को भी आस्वादित कर सकते हैं, मतलब दूसरे को भी ये जो ज्ञान है हम दे सकते हैं। ये हमें समझना बहुत जरूरी है, और यही इस श्लोक में से बताया जा रहा है। भगवान का एक तो आना, जैसे हमने एक तो हमने जैसे शुरू में हम देखे कि जैसे जो सातवां नंबर श्लोक है उसमें बताया गया है कि
नैमि शरण के बारे में हमने जाना, नैमि शरण क्या है, और फिर उसके बाद उग्र शवर जो रोमहर्षण के ही पुत्र है वो कैसे आए, और फिर उसके बाद जो आठवां नंबर श्लोक है इसमें मतलब भगवान आते हैं यहाँ पर तो कैसे मायावादी क्या विचारधारा है उसको हमने जाना, कैसे वो गलत है, उसके लिए कैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं, दसवें अध्याय का चौदहवां नंबर श्लोक, फिर उसके बाद आपका देखिए चौदहवें अध्याय का जो भगवान ने बताया दिव्य ज्ञान में, इस तरह करके हमने समझा। हमने उदाहरण भी देखे जैसे डिफरेंट डिफरेंट, आपका उदाहरण हुआ, फिर उसके बाद जेल में जैसे कैदी आता है, फिर उसके बाद अगर एक समान स्तर पे कीड़ा बैठता है राजा बैठता है तो उन दोनों की स्थिति क्या है, आपका हमने देखे, इस तरह करके हमने ये समझा। तो मैं यहीं पर विराम दूंगा, और किसी चीज का अगर कुछ प्रश्न है, कुछ अगर टिप्पणी है, कुछ भी अगर वो फीडबैक देना चाहता है तो दे सकता है। हरे कृष्णा।